1 lakh complete. September 2018 को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया था और वो टाइम पे मुझे आज भी याद है. अभी तक अगर आप देखोगे ना तो 800 से लेके 900 कुछ व्यू मिले हैं और 6-7 कमेंट थे, जिसमें से एक तो मेरे खुद के भाई का ही था, मेरे कज़िन भाई का, कपिल का. तो वो टाइम पे मैं थोड़ा बहुत नर्वस था कि यार लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, बट बाद में मैंने धीरे धीरे ना कुछ वीडियोज़ डाले थे यूट्यूब चैनल पर. बट है ना, क्या होता था पता है, कोई वीडियो देखता ही नहीं था, कुछ व्यूज़ आते ही नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होके मैंने छोड़ दिया. मैंने बोला यार जाने दो, ये यूट्यूब चैनल का काम मुझे नहीं पसंद आ रहा है और क्योंकि कोई देख भी नहीं रहा है, तो मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करना बंद कर दिया. बट मैं एक प्रैक्टिस करता था जो एवरी वीक है ना, मैं अपने स्टॉक्स को एनालिसिस करता था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीकली एक वीडियो डाल सकता हूँ जो हमारे स्टॉक्स के रिलेटेड होगा. तो मैंने 1 September 2019 को हमारा जो स्टॉक्स फॉर द वीक वाला जो सीरीज़ है, एवरी संडे वाला, वो शुरू किया. और मैंने वो टाइम पे सिर्फ इतना सोचा कि मैं ये वीडियो सीरीज़ को है ना, जो हफ्ते में एक बार जो संडे में मैं वीडियो डालता हूँ, उसको कंटिन्यू रखूँगा. और मैंने आज तक उसको कंटिन्यू रखा है. मैंने कभी कभी कार में से भी वीडियो बनाया है. और जब भी मैंने ये सीरीज़ चालू किया था, उसके बाद कोविड, मतलब उसके पहले ही कोविड हो गया था, तो मैं अपने पार्किंग लॉट से भी बनाता था वीडियो. आप लोगों को याद होगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो. मैं क्या करता था, फेस वाला जो अपना वीडियो होता है ना, वो पार्किंग पे मोबाइल रख के सीधा बना देता था, और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का पार्ट होता था वो मैं अपने कार के अंदर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता था, जिससे आवाज़ ना आए और शांति से हम लोग काम कर सके. तो ऐसे करते 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 मैंने अच्छी तरीके से, मतलब एक कंसिस्टेंसी रखी. और मुझे एक बात पता चली जो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी काम आएगी, कि लाइफ में अगर आप लोगों को सक्सेसफुल होना है ना, तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी. और वो मैंने धीरे धीरे मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा. मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, मैं बहुत खुश हुआ. मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए, मैं बहुत खुश हो गया. फिर 30, 40, 50 ऐसे सब्सक्राइबर आते गए. फिर मैंने ये सोचा कि यार अभी मैंने एवरी संडे वाला जो वीडियो है ना, वो डालना शुरू किया है, तो क्यों ना अभी हम लोग हफ्ते में 2 वीडियो डालते हैं. तो मैंने फिर वेनसडे को, मतलब सोचा कि एक वीडियो डालूंगा जो लर्निंग बेसिस पे रहेगा. और इस तरीके से मैंने वेनसडे पे वीडियो डालना शुरू कर दिया. अभी आप लोगों के लिए बहुत सिंपल होता होगा कि भाई 2 वीडियो आते हैं, पर ये वीडियोज़ बनाने के लिए उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है. अगर मैं कोई लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ ना, तो 2-2 दिन 3-3 दिन मुझे लगता था प्रॉपर उसका प्रेजेंटेशन करना है, आप लोगों को सिंपल वे में समझाना है उसके लिए. तो अभी सब चीज़ें सही जा रही थी, हमारे सब्सक्राइबर भी स्लोली स्टडीली ITC के स्टॉक के जैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे. और मैंने और मेरे भाई ने, जो अभी आपके पीछे कैमरा में है, उसने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ नई चीज़ शुरू करते हमारे चैनल पर, जिससे हमारे व्यूवर्स को कुछ अच्छा फ़ायदा मिले. तो हम लोग ने सोचा कि यार पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू करते हैं. उसमें क्या हमने सोचा कि भाई, मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना कि लाइफ में मास्टर इन वन बनो, कोई एक ऐसी स्किल को अप्लाई करो जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसके अंदर प्रैक्टिस करो. तो हम लोग ने फिर ये पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू की. और ये जो डेट था वो था 1 August 2022. ये तारीख को हमने हमारा पहला पॉडकास्ट शूट किया. अब फ्रेंकली बोलूँ तो हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं था कि 2 ऑडियो कैसे कनेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें थी. बट मैंने और मेरे भाई के दिमाग में सिर्फ यही चीज़ थी कि हम लोगों को करना है, तो हम लोगों ने वो किया. एंड अभी ये अगस्त में उसको ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा. और हमारे चैनल पे पॉडकास्ट सीरीज़ को, जो हमारी मास्टर्स इन वन सीरीज़ है, उसको आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है. और फाइनली आज हमारे चैनल पे पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए. तो ये एक चीज़ जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी. तो मैंने सोचा आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए एक वीडियो बना दूँ. अभी मैं हमेशा मेरी लाइफ में सिर्फ इतना ही सोचता हूँ. मैं आप लोगों को अभी ये बता देता हूँ कि मेरे ये चैनल बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या है. तो देखो, मैंने यूट्यूब चैनल सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि आज से 2011 में, जब भी बहुत साल पहले मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी एज अ सब ब्रोकर, तब मेरे पास सिखाने वाला कोई नहीं था, मुझे कोई नहीं सिखाता था. बट मैंने बहुत सारी चीज़ों को गलती कर करके सीखा है. मतलब बोलते हैं ना कि आप अपने फेलियर से सीखते हो, तो मैं अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा हूँ. तो मैंने सोचा कि यार मैं ऐसा एक चैनल बनाता हूँ जहाँ पे मैं अपना नॉलेज शेयर करूँगा, और मुझे जितना टाइम लगा है शायद उतना आप लोगों को टाइम ना लगे ये सारी चीज़ें सीखने के लिए. तो आज मैं बहुत प्राउडली आप लोगों को सबको ये बोल सकता हूँ
कि हाँ मैंने एटलीस्ट 1,00,000 लोगों के साथ मेरा अपना नॉलेज शेयर किया है, और अभी हमारी जो पॉडकास्ट सीरीज़ है उसका भी आप लोगों को बहुत प्यार मिलता है। तो बस यही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, और बस ये वीडियो आप लोगों को मैंने थैंक यू बोलने के लिए बनाया है कि हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अभी किसी के लिए तो ये बहुत छोटी बात होगी, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज 1,00,000 लोग मेरे साथ है, ये मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी है। तो अभी इसके लिए ही बस थैंक यू बोलना था आप लोगों के लिए, और मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि हमारे चैनल पे मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। एक बात आप लोगों को बोल दूँ, YouTube एल्गोरिथम समझने में मेरे को बहुत साल लग गए और अभी भी मैं नहीं समझ पाया हूँ, और मैं सच बताता हूँ मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है समझने की। आप लोगों का प्यार अगर ऐसे ही मिलता रहेगा ना, तो हम लोग स्लोली स्टडीली आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो बस यही था आप लोगों को मुझे बताना। तो आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, और ये हमारी जर्नी, मैं आप लोगों को ऐसे बोलूँगा कि ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये जर्नी अभी जस्ट शुरू हुई है, अभी आगे हम लोगों को बहुत कुछ करना है। तो बस आप हमारी कम्युनिटी बनाते चाहिए, और मैं अपने सारे एक एक सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मेरी तरफ़ से और मेरी टीम के तरफ से, जो आप लोगों को कभी भी कैमरे में नहीं दिखती है, बट हमारी सबकी बहुत सारी मेहनत होती है, तो थैंक यू वेरी मच। और हम लोग, हमारे जो इंडिया में लोग हैं उनको हम लोग बताएंगे कि प्राइज एक्शन भी एक चीज़ है जिससे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो थैंक यू, और आप लोगों को सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सबके 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए उसके लिए, थैंक यू।